आप देख रहे हैं जिया फैशन बुटीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम आपको ज़्यादा घेर वाला प्लाजो बनाना सिखाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम 2.25 मीटर कपड़ा लेते हैं। ये हमने 2.25 मीटर कपड़ा ले लिया है अपना। इसमें से 42 इंच की हम लेंथ निकाल लेते हैं और इस तरीके से फालतू कपड़ा काट देते हैं और इस तरीके से इसको डबल करके फिर एक बार और करके मोड़ कर इसको रख लेते हैं चार तह करके। देखिए, हमने 42 इंच की लेंथ ली है। फ्रेंड्स, हम ये 39 इंच यानी 39 इंच तैयार लंबाई का रखेंगे, 3 इंच फालतू रखते हैं। ये हमने इसकी बेल्ट ली है। हम इसकी 24 इंच तैयार बेल्ट रखते हैं, इसलिए 6 इंच की बेल्ट ली है और 3 इंच में एक्स्ट्रा रखते हैं। 14 इंच का ये आसन का निशान लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी प्लाजो में हम 3 इंच बेल्ट में फालतू रखते हैं लास्टिक से। ये यहाँ पर हमने 14 इंच का निशान लगा लिया है। ये 1.5 इंच हमारा लास्टिक के मुड़ने में चला जाएगा। यहाँ से हम 3 इंच फालतू रख लेते हैं। इस तरीके से आसन बनाने के लिए हमने ये 3 इंच फालतू रख लिया है। यहाँ पर 1.5 इंच का इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब हम इसमें इस तरीके से गोलाई डाल देते हैं। देखिए, ये हमने इसमें से गोलाई डाल दी है इस तरीके से। अब हम इंच टेप से फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ निशान लगाते हैं। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल नीचे तक निशान नहीं लगाते हैं, नीचे से 3 इंच छोड़ देते हैं गोलाई में काटने के लिए। अगर हम नीचे तक निशान लगाएंगे तो हमारा घेरा कम हो जाएगा। हम इसको 3 इंच ऊपर की तरफ को रखते हुए निशान लगाते हैं। इस तरीके से इस पर निशान लगा लेते हैं। अब हम इसमें नीचे से गोलाई में भी इसी तरीके से 3 इंच का निशान लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर निशान लगाना नीचे की गोलाई का बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको काट लेते हैं। इस तरीके से करते हुए हम इसका आसन और नीचे की पाँचें भी काट लेते हैं। देखिए, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से 3 इंच की गोलाई देते हुए काट लेते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये गोलाई नीचे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी यहाँ से रेब हो जाती है, इसलिए ये यहाँ से कटिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हमारा आसन है। इस तरीके से हम आसन को मिलाते हुए इस तरीके से इस पर डबल सिलाई लगा लेते हैं दोनों आसन पर। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम अपने दूसरे आसन पर भी इसी तरीके से दोनों पीस मिलाते हुए सिलाई लगा लेते हैं और उस सिलाई को डबल कर लेते हैं। देखिए, ये हमने दोनों आसन पर सिलाई लगा ली है और इसको डबल कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से खोलते हैं और अपनी मोहरी मिलाते हुए, अलग अलग मोहरी मिलाते हुए इस तरीके से दोनों पाँचों पर हम अपने सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप डबल सिलाई कर दीजिए, जिससे आपका प्लाजो उधड़ेगा नहीं, जल्दी से बिल्कुल फिट रहेगा। फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में हमें कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए हमें, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। देखिए, अब ये हमारा प्लाजो का नीचे का घेरा है। अब हम इसको अंदर की तरफ को इस तरीके से करते हुए 1 इंच से थोड़ा सा कम मोड़ लेते हैं इस तरीके से, और इस पर कन्नी की सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, ये हम इस पर इस तरीके से पूरे पाँचे पर अपने कन्नी की सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इस पर पाँचों पर डबल सिलाई लगाएंगे, इसके बाद एक और सिलाई लगाएंगे हम इस पर। देखिए, इस तरीके से हमने ये इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम ये हमारी पूरी सिलाई लग गई है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा रखते हुए सीधी तरफ से फ्रेंड्स हम एक पैर की, मशीन के एक पैर की दूरी पर इस पर एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे इसका बहुत ही प्यारा लुक बैठ जाता है मोहरी का नीचे से। देखिए, अब हमने इसमें चारों तरफ दोनों पाँचों पर अपने डबल सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये हमारी सिलाई इस तरीके से लगकर कितनी प्यारी सिलाई बैठ रही है। फ्रेंड्स, हमारी दोनों मोहरी पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब ये हमारे ऊपर की बेल्ट का है।
बेल्ट को फ्रेंड्स लास्टिक लगाने से पहले सबसे पहले हम एक बार इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा अंदर को करते हुए, एक पैर का कपड़ा अंदर को करते हुए इस पर चारों तरफ एक सिलाई लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर लास्टिक लगाने में कोई परेशानी नहीं होती। हमारी लास्टिक बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से हम चारों तरफ से इसकी कन्नी को मोड़ लेते हैं। देखिए ये हमने इसकी कन्नी मोड़ ली है इस तरीके से। अब हमने ये 24 इंच की लास्टिक ली है, इसको इस तरीके से डबल करते हुए हम इस पर एक के ऊपर एक रखते हुए इस पर हम पक्का कर कर दो तीन सिलाई मार लेते हैं, जिससे हमारी लास्टिक खुले नहीं। अब हम इसको जहाँ से हमने ऊपर की तरफ से मोड़ा था बेल्ट में से, इसके ऊपर कपड़ा उस कपड़े को करते हुए इस तरीके से लास्टिक को उसके अंदर करते हुए कपड़ा थोड़ा सा लास्टिक से फालतू बाहर की तरफ रखिए, और लास्टिक पर सिलाई नहीं आनी चाहिए हमारी, नहीं तो लास्टिक सेट नहीं बैठती है, वो खिंचकर एक सार नहीं होती है। देखिए इस तरीके से लास्टिक से थोड़ा सा फालतू कपड़ा रखकर हम लास्टिक पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है इसके। अब हम फ्रेंड्स लास्टिक को एक सार करते हैं इस तरीके से, खींचकर लास्टिक को एक सार कर दीजिए और इसके बीच में यहाँ पर एक सिलाई और लगा दीजिए, ताकि लास्टिक बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखिए हम इसको इस तरीके से खींचते हुए इस पर बीच में एक सिलाई और लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा प्लाजो तैयार हो चुका है। कितने अच्छे कितने प्यारे घेर बैठे हैं इसके, देखो दोनों मोहरी के इसी तरीके से घेर बैठे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा प्लाजो तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।